आज मैं बिना घी के झटपट बनने वाले और बेहद ही पौष्टिक शेंगदाना और गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू व्रत में भी खाए जा सकते हैं और एक महीने तक आसानी से टिकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोल्टस किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कटोरी मूँगफली के दाने लिए हैं और इसे धीमी आँच पर एक जैसा चलाते हुए भून लेंगे। इसे एक जैसा चलाते हुए धीमी आँच पर हमें कुरकुरा होने तक भून लेना है। इसे लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि मूँगफली के दाने सब तरफ से एक जैसे भून जाए। मूँगफली के दाने स्वास्थ्य के लिए बादाम से भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जब मूँगफली के दाने अच्छी तरह से कुरकुरे हो जाए तो गैस बंद करें और इन्हें अच्छा ठंडा होने दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मूँगफली के दाने मिक्सी के जार में डालेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से मैं सारे दाने अब पीस लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारे मूँगफली के दाने दरदरे पीस लिए हैं। अब इसमें 2 कटोरी गुड़ मिलाएंगे। गुड़ की मात्रा अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा गुड़ कम कीजिए, 1.5 कटोरी भी डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मिश्रण को हम दोबारा मिक्सी जार में डालेंगे और 2-3 मिनट अच्छे से पीस लेंगे ताकि मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए और लड्डू आसानी से बन जाए। इसी तरह से मैं सारा मिश्रण दोबारा पीस लूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। इसी तरह से मैंने सारा मिश्रण दोबारा पीस लिया है। अब इस मिश्रण को एक बड़े कटोरे में निकालेंगे और अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिश्रण लड्डू बांधने के लिए तैयार है। अब थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और लड्डू बांध लेंगे। आपको जैसे छोटे बड़े बनाना हो वैसे आप लड्डू बांध सकते हो। और अगर ये मिश्रण आपके हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। कोई कोई गुड़ चिपचिपा होता है तो हाथों में चिपकता है, इसलिए आप थोड़ा सा घी लगा लीजिए तो लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। ये लड्डू आप नवरात्रि के व्रत में खा सकते हो। और देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाती है। यह लड्डू खाने से शरीर में ऊर्जा आती है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जुड़े रहें। इस तरह से मैं सारे लड्डू अब बना लेती हूँ। तो लीजिए, तैयार है शेंगदाना और गुड़ के लड्डू। धन्यवाद।